अभी अभी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बिहार के सिवान जिले से दिखा रहे हैं, जहां सिवान मुसफ्फिल थाने की पुलिस ने 3 शराब तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि तीनों शराब तस्कर जो हैं बसंतपुर, महाराजगंज व गोरिया कोठी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें सिवान शहर के श्रीनगर इलाके से पुलिस ने शराब के साथ 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि वहीं बसंतपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर खोरी पाकर गांव निवासी सुरेंद्र दास के 21 वर्षीय पुत्र रामलखन दास को 46 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। यह शराब तस्कर अपनी स्कूटी में अंग्रेजी शराब लेकर जा रहा था, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ महाराजगंज थाना क्षेत्र के बलिया टोला मागी गांव निवासी रंजय कुमार सिंह और गोरिया कोटी थाना क्षेत्र के सरैया मठिया गांव निवासी अशोक कुमार गिरी को 20 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। यह दोनों तस्कर एक बाइक पर शराब की खेप लेकर मैरवा से आ रहे थे, तभी गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए गिरफ्तार सभी तस्करों को अब जेल भेज दिया गया है। तो मैं फिर बता दें कि बड़ी खबर आपको हम बिहार के सिवान जिले से दिखा रहे हैं, जहां सिवान मुसफ्फिल थाने की पुलिस ने 3 शराब तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। तीनों शराब तस्कर जो हैं अलग अलग जगहों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक शराब तस्कर बसंतपुर, तो दूसरा महाराजगंज, तीसरा गोरिया कोठी का रहने वाला बताया जा रहा है।